शेख जू ही रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। जयपुर के जेके लोन अस्पताल से प्लाज्मा चोरी करने वाला आरोपी पुलिस से बचने के लिए जयपुर छोड़कर मंदिर मंदिर छुपता रहा। आरोपी पिछले 5 दिन से फरारी काटने के लिए धार्मिक स्थलों में छुपा रहा था। शनिवार को आरोपी जयपुर आया था, इसमें थाना पुलिस ने उसे झवार सर्कल इलाके से गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइनिंग करने का झांसा देने के मैसेज कर रुपये ऐंठने वाले कुछ लोगों को किशनगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में एक मकान से 19 लोगों को फिलहाल शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अब पुलिस पूछताछ कर रही है। बूंदी के नैनवा इलाके में 1 महीने से पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों का रविवार को सब्र का बांध टूट गया। ग्रामीणों ने नैनवा दुगरी मार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि दुगरी में रेगर बस्ती के बाशिंदे 1 महीने से पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन विभाग ध्यान नहीं दे रहा। जाम की सूचना पर नैनवा पुलिस मौके पर पहुंची और जल विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर समझाइश करवाई, तब जाकर ग्रामीणों ने जाम हटाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट के लोकसभा चुनाव के दौरान हाल ही में दिए गए बयानों ने कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने के संकेत दिया है। पायलट के अचानक मुखर होने और 25 सितंबर 2022 की घटना का जिक्र करने से हलचल बढ़ गई। इसी के साथ पायलट ने आलाकमान को अपने संघर्ष भी याद दिलाए। राजस्थान में राजनीति गर्मा गई। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी और भाजपा नेता देवी सिंह भाटी के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात से राजनीति गलियारों में अटकलें और तनाव बढ़ गया। चर्चा है कि भाटी जीतने के बाद बीजेपी को अपना समर्थन दे सकते हैं। राहुल गांधी की अमेठी सीट छोड़ने पर उठ रहे सवालों पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, केएल शर्मा 40 साल से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी का ये निर्णय है कि राहुल गांधी वहां यानी अमेठी क्यों जाएं जिसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां से केएल शर्मा ही भाजपा निपटा देंगे। बीजेपी सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा और कहा कि उन्होंने भी मान लिया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। सुनिए सुधांशु ने क्या कुछ कहा। मगर हम एक बात कहना चाहेंगे कि चाहे वो उनके दारू का प्रभाव हो या वो जहां गए थे उसका कुछ प्रभाव हो, एक बात तो उनके मुंह से अनायास सही निकल गई। उन्होंने कहा कि मोदी जी पीएम बनेंगे और इसके बाद फलां फलां को प्रधानमंत्री बना देंगे। इसके लिए उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज ये एक्सेप्ट कर लिया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। होता है कभी कभी आदमी दारू पीने के बाद अक्सर पूरा कंट्रोल नहीं रहता तो सही बात निकल जाती है। अच्छा, इतना ही नहीं, वो आगे सक्सेशन प्लान भी बताने लगे कि मोदी जी रहेंगे, इसके बाद कौन कौन रहेगा, यानी आने वाले लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री रहेंगे ये तक बताने वाले ये ना बता पाए कि जब वो जेल में थे तो प्रधानमंत्री के बारे में बातें करने वाले खुद मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे और ये ना बता पाए कि उनका सक्सेसर कौन होगा। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र का ऐलान किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि आज हम लोकसभा चुनाव 2024 के लिए केजरीवाल की 10 गारंटी की घोषणा करने जा रहे हैं। मेरी गिरफ्तारी के कारण इसमें देर हुई, लेकिन अभी भी चुनाव के कई चरण बाकी हैं। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मैं बंगाल को 5 गारंटी दे रहा हूं, जब तक मैं यहां हूं तब तक धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, यहां एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। सुनिए मोदी ने क्या कुछ कहा। आज मैं टीएमसी हो या कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस, मैं डंके की चोट पर बंगाल को 5 गारंटी दे रहा हूं। जब तक मोदी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरी गारंटी
जब तक मोदी है एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तीसरी गारंटी, जब तक मोदी है रामनवमी मनाने से भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चौथी गारंटी, जब तक मोदी है राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। और पांचवी गारंटी, जब तक मोदी है सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। और आप जानते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। 13 मई को देश भर की 96 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होने हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा समेत 10 राज्यों में वोटिंग होगी। आज खबर दिन भर में इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आप सब फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।